दोस्तों, लॉकडाउन के वजह से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। आपको बता दें कि कोई भी फिल्म की या फिर टीवी की शूटिंग नहीं हो पा रही है। पिछले 2 महीने से कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी अच्छी अपडेट है। जी हाँ, जल्द ही आपको फिल्में देखने को मिल सकती हैं और जल्द ही आपको थिएटर्स जाने का मौका मिल सकता है। आपको बताते चले पहले कि जो हाल ही में खबर सामने आई थी कि फिल्म गुलाबो सिताबो और शकुंतला देवी, ये सारी की सारी फिल्में जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की जाएंगी, यानी कि ऑनलाइन रिलीज़ की जाएंगी। लेकिन इन रिलीज़ के वजह से जो थिएटर सिनेमा के मालिक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है और कई लोग तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो इसी वजह से अब जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने सिनेमा घरों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को, यानी कि जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसके लिए एक सेफ्टी और प्रिकॉशनरी प्लान भेजा है। यानी कि इस प्लान में हर एक चीज़ इन्वॉल्व है। आपको बताते चलें कि प्लान में बताया गया है कि सिनेमा घर कैसे सावधानी बरतेंगे, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और फूड ऑर्डर को महत्व दी जाएगी ताकि लंबी लाइन से बचा जा सके, सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मतलब हर चीज़ जो है इस पूरे के पूरे प्लान में ऐड किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों कि सिनेमा घर के परिसर में सफाई और हाइजीन पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, इस बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, एंट्री गेट पर चेकअप होगा, तापमान जो भी जो लोग मतलब मूवी देखने आएंगे उनका जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, उसको मेज़र किया जाएगा। PPE किट भी होंगी, मतलब वहाँ पे उपलब्ध होंगी। और फिर फ्लोर प्लान में बहुत सारे चेंजेस होंगे और बॉक्स ऑफिस और फूड सेल में बदलाव किए जाएंगे। सिनेमा स्टाफ के लिए मास्क ग्लव जरूरी होगा और आरोग्य सेतु ऐप भी जो लोग आएंगे फिल्में देखने उनके लिए वो ज़रूरी होगा डाउनलोड करना। और लगातार सैनिटाइजेशन होगा जो भी फिल्म वाला एरिया होगा, यानी कि जो थिएटर्स का एरिया होगा पूरे में। तो ये सारी जो प्लान है, मतलब पूरा डिटेल का प्लान है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग को भेजा गया है, यानी कि सरकार को भेजा गया है। अगर सरकार इस चीज़ पर मंजूरी दे देती है तो फटाफट सिनेमाघर स्टार्ट हो जाएंगे और जो पहली फिल्में आउट होंगी वो होंगी सूर्यवंशी और राधे 83, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं इससे सिनेमाघर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और सिनेमाघर चाहता भी है कि फटाफट जो है वो कमाई करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान झेल चुका है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतज़ार है फिल्में देखने का, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख के ज़रूर बताएं और जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।